सो हे गाइस, कैसे हो सभी लोग? एंड गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस यार, आज का वीडियो गाइस सच में बहुत ज्यादा मजेदार होने वाला है। काफी ज्यादा गर्मी बढ़ चुकी है और गाइस यार सभी को गर्मी लग रही है। तो गाइस यार, इसी से बचने के लिए आज हम बनाएंगे एक छोटा सा मिनी कूलर, जो कि गाइस बहुत ज्यादा मजेदार है और गाइस बहुत तेज एकदम ठंडा ठंडा हवा हमें प्रोवाइड करता है। तो गाइस यार, आप बस इस वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो चलो यार, इस वाली वीडियो को फटाफट से शुरू करते हैं और गाइस बनाते हैं एक छोटा सा मिनी कूलर। तो गाइस ये जैसा कि आप देख रहे हो, गाइस मैंने यहाँ पे कार्डबोर्ड को ले लिया है, जैसा कि आप देख रहे हो, ठीक है। तो गाइस हमें कम से कम 5 स्क्वायर टाइप के बॉक्स को बनाना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, तो गाइस इस कूलर के अंदर से एकदम ठंडी ठंडी हवा आने वाली है। वो गाइस कैसे आएगी वो गाइस मैं आगे चल के बताऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पे प्रोपेलर का आप साइज देख सकते हो, वैसे गाइस मैं स्क्वायर टाइप का बॉक्स को कट करूंगा, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे गाइस मैंने इसके ऊपर का कवर को हटा दिया, ठीक है, क्योंकि गाइस इसका जो लुक है ना वो गाइस थोड़ा सा अलग दिखे, मतलब कलरफुल दिखे, और कलरफुल बोल रहा हूँ मतलब अच्छा दिखे, ठीक है। ये जो लेंथ है ना गाइस ये बड़ा है और इसका जो विथ है वो एकदम इसके हिसाब से मैंने इसको एडजस्ट करके इसको बनाया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे गाइस आपको इसके एकदम रेडियस के नाप का ना, मतलब इसके डायमीटर के नाप का इसका सर्कल बनाना है इसमें, ठीक है। इसमें आपको सर्कल बना के इसको कट करना है। तो चलो यार, इसको मैं फटाफट से बना के इसको कट करके आपको दिखाता हूँ। तो गाइस यार, फाइनली यहाँ पे मैंने इसको कट कर लिया है, ठीक है, जैसा कि आप देख लो। तो गाइस चलो अब इसको फटाफट से चिपका लेते हैं। तो गाइस यार, यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने इसका थोड़ा सा हिस्सा रेडी कर दिया है। गाइस इसका जो ऊपर का जो छत है उसको गाइस मैंने रेडी नहीं किया, क्योंकि गाइस अभी ये सब प्रोपेलर वगैरह यहाँ पे इंसर्ट करना बाकी है, ठीक है। और गाइस इसका जो पीछे का हिस्सा है ना गाइस, उसको गाइस आपको बंद नहीं करना, ठीक है। तो गाइस हमें बैटरी, मोटर और प्रोपेलर वगैरह यहाँ पे इंसर्ट करना है। चलो इसको फटाफट से कंप्लीट करते हैं। तो गाइस यहाँ पे मैं इस्तेमाल करूंगा ये पावरफुल डीसी मोटर, जो कि गाइस बहुत तेज चलता है, ठीक है। तो गाइस यार, यहाँ पे इसको सेंटर में फिक्स करने के लिए ना हमें एक छोटा सा प्लेट चाहिए, मतलब कार्डबोर्ड का प्लेट चाहिए। तो चलो इसको मैं कट कर लेता हूँ और कट करने के बाद आपको दिखाता हूँ। तो गाइस यार, यहाँ पे मैंने प्लेट लगाना है एकदम सही समझा, ठीक है। यहाँ पे गाइस, यहाँ पे सपोर्ट भी हो जाएगा और गाइस यहाँ पे नीचे हम लोग बैटरी या फिर स्विच वगैरह भी यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो गाइस ये एकदम अच्छी तरीके से अटैच हो चुका है। तो चलो गाइस यहाँ पे एक मोटर को यहाँ पे चिपका लेते हैं, ठीक है, इस मोटर को भी, और गाइस इसके अंदर प्रोपेलर को इंसर्ट करके चिपकाते हैं, ठीक है। तो गाइस फाइनली हमारा मोटर भी चिपक चुका है, जैसा कि आप देख रहे हो, और गाइस इसके अंदर प्रोपेलर भी मैंने लगा दिया है और गाइस एकदम सेंटर में लगा है, जैसा कि आप देख रहे हो, ठीक है। देन गाइस यहाँ पे जो बचा हुआ पीस था ऊपर का, इसको भी गाइस हमें चिपका लेना है। तो गाइस यार, हमारा ऊपर का जो प्लेट है गाइस वो गाइस एकदम अच्छी तरीके से चिपक चुका है, ठीक है। देन गाइस हम यहाँ पे एक बैटरी लेंगे, ठीक है, और गाइस यहाँ पे बैटरी यहाँ पे रख के गाइस इसको चिपका के इसका कनेक्शन कर देंगे, ठीक है। फाइनली यहाँ पे आप देख सकते हो एकदम अच्छी तरीके से हमारा बन के तैयार हो चुका है मिनी कूलर, और गाइस यहाँ पे इसका सारा कनेक्शन भी मैंने कर दिया है। बस गाइस अब इसकी बारी है टेस्टिंग करने की। तो चलो यार, फटाफट से इसको टेस्ट करते हैं और गाइस देखते हैं किस तरीके से वर्क करता है, किस तरीके से नहीं करता है, ठीक है। तो गाइस यहाँ पे मेरे पास बर्फ तो नहीं है, क्योंकि गाइस मैंने बर्फ जमा ही नहीं। यहाँ पे गाइस मैं एक ठंडे बोतल का इस्तेमाल करूँगा, ठीक है। इसके अंदर पानी भी एकदम ठंडा ठंडा चिल्ड पानी है गाइस, मैं इसको लाया हूँ, ठीक है। यहाँ पे गाइस आपको एक प्लेट लेना है, ठीक है। यहाँ पे मैं इस तरीके का प्लेट इस्तेमाल कर रहा हूँ, ठीक है। आप गाइस चाहो तो यहाँ पे कटोरी, कुछ भी मतलब यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हो। तो इसके अंदर चलो इसके अंदर चिल्ड वाटर एकदम डालते हैं, भाई साहब बहुत ठंडा है। तो चलो गाइस अब इसकी फाइनली टेस्टिंग करते हैं और गाइस देखते हैं किस तरीके का इसका रिजल्ट आता है। भाई साहब सच में बहुत ज्यादा इसके अंदर से ठंडी ठंडी हवा मैं फील कर सकता हूँ। सच में गाइस बहुत ज्यादा मजेदार है। जैसे कि आपने देखा कि हमारा ये जो मिनी कूलर है गाइस, ये गाइस सच में काफी एकदम अच्छी तरीके से वर्क कर रहा है। तो गाइस आज की वीडियो में बस इतना ही, हम मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत एंड डू लाइक और सब्सक्राइब।